मैं और मेरा फेज ये मेरा भांजा है, हम जा रहे हैं ईदगाह में। फ्रेंड्स ये लोग हो चुके हैं रेडी, यहाँ निखत रेडी हो चुकी है, ये लोग आ चुके हैं। हम लोग आए थे तब्बू के घर, हमें यहाँ पे बार दिखने को मिल गया। अब पहले से थोड़ी बहुत पानी सूख, हम लोग चलते गाड़ी की तरफ, बच्चे चिल्लाने लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज है ईद, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि आप देख सकते हो, रात को मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, कुछ भी नहीं किया, फेस पर कुछ भी नहीं की, मेहंदी भी नहीं लगाई, और काम करते करते मुझे रात 1 बज गया था। तो इस वजह से मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे हैं, और मैं अपने फेस पर थोड़ा ब्लीच लगा लेती हूँ, ब्लीच लगा रही हूँ। मैं अपने फेस पर लगा चुकी हूँ ब्लीच। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। आपको मैं और मेरा फेज ये मेरे भांजा है, हम जा रहे हैं ईदगाह मैदान, नमाज हो चुका है, हम जा रहे हैं घर अपने। फ्रेंड्स ये लोग हो चुके हैं रेडी, यहाँ निखत रेडी हो चुकी है, अभी मेरा हेयर स्टाइल करना बाकी है, तबस्सुम का भी हेयर स्टाइल करना बाकी है, फैज भी नमाज पढ़ के आ चुका है, बाबू भी आ चुका है, हम कुछ नहीं है, मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने, फैज अभी बस कुर्ता पहन के नमाज पढ़ के आ चुके हैं लोग। तो हम जल्दी से इनको पहले कुछ खिला देते हैं। सलाम करो। छोटी वाली बहन के घर, उसने बुलाया था, वो भी घर गई थी। और क्या कहते हैं, निखत फैज ये लोग तो गए हुए घूमने, कुछ पता नहीं कहाँ गए, तो अभी हम लोग आ रहे हैं इनके घर। कैसा लग रहा है आपको आज ईद पे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस दिन में मिलते हैं पैसे, इस दिन में बहुत और पेट भी भरता है, फ्री में पेट भरता है, बहुत इंजॉय करके आए। और ना पैसा क्या क्या खा के आयो? हम फर्स्ट तो खीर, फर्स्ट खीर, उसके बाद फिर पुलाव, और उसके बाद अभी भी 4 घर बाकी है, 4 सबको तब्बू के घर बाकी है, हफ्ते 4 महीने बीत गए, अभी दिन भी हो जाएंगे पार भी नहीं कर सकती। तो भाई इधर दिन में साइकिल साइकिल चला, फैज गिर जाओ के अंदर आओ, अभी हम भी चलेंगे, पहले खाना वाना खा लेते हैं। चलो तो ये लोग हो चुके हैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। मैं ब्लॉग नहीं देता। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, 4 बज चुके हैं, इन लोगों का वेट करते करते। मेरे को तो बिठा लो। अरे आप घूमने बच्चे बच्चे कैसे, मौसम खराब की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे, सुबह से आप बारिश रुक गए, तो हम बच्चों को लेके थोड़ा घूम फिर रहे इधर, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। अभी आज बहुत खुश है ये लोग, घुमाने आए, वैसे मौसम खुल गया। अब देखिए इन लोगों को गहन कुंड तुम्हें ए लुजोन मोर होनु बिता। हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, जा रहे हैं जहाँ रास्ता मिले, हमें दिखाते हैं हम आगे, बच्चों को घुमा के ले आते हैं इनको कुछ। अब चलते चलते हमें यहाँ पे बार दिखने को मिल गया। हाँ कहाँ जा रही है? पानी देखने जो है मिल गया। अब पहले से थोड़ी बहुत पानी सूख भी गए, नहीं तो पानी ये सब भर था, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा भरा पड़ा था पानी। ये देखिए आप व्यू, आपको दिखा सकते, अभी गाड़ी लेके जा रहे थे हम, गाड़ी में से उतरा, हम चलते गाड़ी में से रुकवा के भाई को रुकवा के हम निकले, अभी और दिखाते हैं, एक बार मच्छी मिल जाए देखने को हमें, बड़ा अच्छा लग जाएगा। हाँ
पास से आना पड़ रहा है हमें। ये किसी की बाउंड्री है बना, तो देखो वो उस माथे देखो कोई अरे वो सब धुआं पड़ा है सब पानी में, देखा अब आने जाने का रास्ता भी नहीं है। मुझे लगता है ये जा, ये दिखा ना ये हाँ। ये यहाँ से रोड है, ये रोड डूबा पड़ा है, है? देख अब ये लोग ये रहा, ये जगह जगह पे है ना, ये रोड एक रोड था। अरे लोग देखो इधर देखो नाव से आ रहा है वो, इधर देख वो आ रहा है ना ये, वो देख वहाँ पे वो नाव से आ रहा है, अब वही करेंगे इस साइड भी देख सकते हो। अरे बाप रे बाप, साइड देखो चले चलो आगे और देखेंगे ना, एक ही जगह गए इतनी देर रुकेंगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा भाई। आजा हम लोग चलते गाड़ी की तरफ, बच्चे चिल्लाने लगे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, जाना पड़ गया। हम लोग उतरे थे देखने के लिए पानी, बच्चे गाड़ी में, हम जहाँ गए थे वहाँ से हम होके आ गए, अब हम दूसरी जगह पे आ गए। खोलो खोलो नीचे उतरोगे? आजा आजा आजा, थका मार सकते हैं, हम दूसरी एरिया में आ गए। ओए दिखा, हाँ लोग आ चुके हैं घर। A few moments later आने लगे हैं, कोई रिलेटिव है हमारे, उन्होंने हमें बुलाया था ईद के लिए, बच्चे सुबह हो के आ चुके हैं उनके घर, तो हम लोग उनके घर चलते हैं अभी। तो हम लोग पहुंच गए थे, फिर वहाँ पे आ चुका था हमारे लिए नाश्ता, हमने किया जल्दी जल्दी से नाश्ता और फैस पीरा चाय। यहाँ के लेट चुका है किसी के घर, तो हम लोग आए, मेरी भाभी हैं जो भाई उनके घर, ये फैस यहाँ फ़ोन देखते हुए। वैसे मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, काफ़ी लेट हो गई थी मैं तो, बहुत देर से आई थी, फिर अभी मैंने निखत के पापा को फ़ोन किया, ये आ गए, अभी हम थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। प्लेट लग रही है शाही थाली, निकाल के रिवाज है। अब रात के बज रहे हैं 12, हम लोग ने खाना वगैरह खा चुका है, और हमारी जहाँ दावत थी हम लोग वहाँ से आ गए थे, निखत फैज भी सो चुके हैं। अब तो मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल तो मैंने लगाई नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा काम किया था और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, और रात बहुत लेट भी हो गया था, 1 बज रहे थे, तो मैं अभी लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह हम लोगों को जाना है कहीं घूमने के लिए। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है, तो इस ब्लॉग को करते ही यहीं पर एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।